अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं Redmi मोबाइल की ब्लैक एंड वाइट कलर का सेटिंग। दोस्तों इसमें मसला ये है, देखिए इसमें हर चीज़ जो है ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। कोई भी चीज़ आप इसमें प्ले करते हैं या इसमें जो है ये आपने चेक करना है, ये Redmi मोबाइल सब कुछ इसमें ब्लैक एंड वाइट नज़र आता है। तो इसका सेटिंग ख़राब हो चुका है, तो इसमें आपने सेटिंग करना है। तो कैसे करना है दोस्तों, देखिए यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपने इस तरह करना है जिस तरह मैं कर रहा हूँ। तो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन को इस तरह आप नॉर्मल स्क्रीन पे कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों आपने खोलना है अपनी मोबाइल में सेटिंग। दोस्तों सेटिंग को आपने खोलना है, ठीक है। सेटिंग को खोल दिया, अब इस सेटिंग में आपने नीचे आना है, ठीक है। नीचे आपने आना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपने यहाँ देखिए लिखा है एडिशनल सेटिंग, तो ये आपने खोलना है एडिशनल सेटिंग। अगर आपकी मोबाइल में एडिशनल सेटिंग है तो खोलना है। इसके बाद आपने दोस्तों अपनी मोबाइल में एसेसिबिलिटी को खोलना है और एसेसिबिलिटी में आपने स्क्रीन कलर के बारे में ऑप्शन ढूंढना है एसेसिबिलिटी मेन्यू। तो दोस्तों इसमें स्क्रीन कलर का कोई सेटिंग नहीं है, ब्लैक एंड वाइट कलर का सेटिंग नहीं है। तो दो बार बैक जाना है, एक बार फिर बैक जानेंगे या नीचे आना है दोस्तों, या स्पेशल फीचर पर अपने खोलना है और यह भी आपने डिस्प्ले कलर को ढूंढना है। तो यह भी नहीं है, बैक करना है और नीचे आना है दोस्तों। तो यह आपने स्क्रीन कलर यानी ब्लैक एंड व्हाइट कलर वाला ऑप्शन ढूंढना है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आपने भी ढूंढना है, जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसा करना है। फिर आपने डिस्प्ले करना है। यह मुख्तलिफ किस्म ऑप्शन है, एक है दोस्तों कलर स्कैम, एक है ये डार्क मूड या रेडिंग मूड, ये है कलर शेम। तो ये भी नहीं है, एक बार वापस बैक जाना है। सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों, यह भी आपने बैक जाना है, इसमें ऑप्शन नहीं मिला तो बैक जाना है। और आसान तरीके से आपने क्या करना है, आपने सर्च पे क्लिक करना है और ये यहाँ सिस्टम या सर्च करना है। सर्च करना क्या है, इस या से कलर जो है यहाँ लिखा है कलर क्रिएक्शन, तो आपने ये कलर करेक्शन को खोलना है और यह आपने नीचे आना है, या कलर क्रिएक्शन को ऑफ करना है और फिर एक बार बैक जाना है। इस ऑप्शन को आपने ऑफ करना है, कलर क्रिएक्शन शॉर्टकट। इसके बाद दोस्तों आपने जो है कलर इन्वर्जन, आपने यह ऑप्शन खोलना है कलर इन्वर्जन, तो आपने कलर इन्वर्जन वाला ऑप्शन भी ऑफ करना है। तो दोस्तों इससे आपका मसला हल हो जाएगा और आपका Redmi मोबाइल का कलर मुकम्मल तौर पर नॉर्मल मूड पे चेंज हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Redmi और Xiaomi मोबाइल इसी तरह